आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, क्वेश्चन इज इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज अराइव टुडे ईगल्स लेटर इज रिटन एज दिस। बिगेन वर्क फास्टर टेबल इज रिटन एज दिस। लेंथ एरर एरो बर्न इज रिटन एज दिस। ट्रायल बेटर देन विजडम इज रिटन एज दिस। सो बाय यूजिंग द गिवन कोड वर्ड फाइंड द कोड वर्ड फॉर बेटर लक नेक्स्ट अराइव। ठीक, तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि एक सर्टेन कोड लैंग्वेज में इन लाइन्स को इस तरह से कोड किया गया है, तो हमें इस लाइन को इस कोड लैंग्वेज में कोड करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें इसका पैटर्न समझना होगा। तो पहली चीज़, इन लाइन्स को रीड करते हुए हमने ये देखी कि यहाँ पर कोई भी वर्ड जो है रिपीट नहीं हो रहा, दैट मीन्स इनके बीच में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, कि हमें कॉमन वर्ड फाइंड आउट करके नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन का डायरेक्ट रिलेशन इनके कोड से है, तो हमें यही डिकोड करना होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास, अराइव। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, फर्स्ट वर्ड को कंसिडर करते हैं अराइव को, और यहाँ से फर्स्ट कोड को कंसिडर करते हैं। पहले कोड का पैटर्न देखेंगे, तो पैटर्न कुछ ऐसे है कि पहले यहाँ पे नंबर है, देन एक डिजिटल सिंबल है, देन अल्फ़ाबेट है। सारे कोड्स में ऐसे ही गिवन है। अब हम यहाँ पे इसको डीकोड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 21 स्टार आर। तो इसको हमें गिवन है, दैट इज़ 21 स्टार आर। तो ये किस हिसाब से हो सकता है, हमें ये देखना है। तो अराइव, अराइव में यहाँ पर लास्ट में आर है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सेकेंड अल्फ़ाबेट हमारे पास क्या है, आर है। तो ये हो सकता है कि सेकेंड अल्फ़ाबेट प्रेजेंट कराओ आर। और यहाँ पर क्या है कि कितने लेटर्स का ये वर्ड है, 1 2 3 4 5 6, सिक्स का है, ठीक है। तो सिक्स का है, तो यहाँ पर तो है हमारे पास 21। तो एक बार हम यहाँ पर लिख लेते हैं सिक्स, ठीक। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 21 है। तो अगर ये R रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यानी कि हम इसको एक काम करते हैं, यहाँ पर ए बी सी डी में A को ले लेते हैं 21, ठीक है। A को हमने मान लिया 21 है, और स्टार फोर से हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है 6। स्टार हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 6, नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स, और R हमारा हो गया सेकेंड अल्फ़ाबेट। तो इस तरह से अगर हम टुडे को देखें, तो टुडे को अगर हम इसी पैटर्न से कोड करते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास। तो अगर टुडे को हम कोड करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट अल्फ़ाबेट ओ, तो यानी कि यहाँ पर आएगा ओ। अब ये कितने लेटर्स का वर्ड है, 1 2 3 4 5, 5 लेटर्स का वर्ड है टुडे, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 5, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, टी। अब नंबर क्या आएगा यहाँ पर, तो ये हमें देखना है। तो यहाँ पर नंबर क्या होना चाहिए, तो अगर हम ओ वाला देखें, तो ये हमारे पास ओ वाला कोड है, और यहाँ पर नंबर है 14। तो 14 कैसे आया, इसका हमें लॉजिक फाइंड आउट करना होगा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर अपनी ए बी सी डी लिखते हैं। तो ए बी सी डी अगर हम लिखेंगे, तो यहाँ से ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन O P Q R S T U V W X Y Z, ऐसे स्पेस में क्यों लिखा हमने, क्योंकि हम इनको नंबर करेंगे। ये हमारा 21 मान लेते हैं हम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 22। A B C D में कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं, 26। तो हम 26 तक ही जाएंगे, 23, 24, 25, 26, ठीक है। अब वन से स्टार्ट कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो यहाँ से 15 16 17 18 19 20। तो यहाँ से हमारे पास यही रिलेशन हो सकता है नंबर्स का। तो अगर A हमारा 21 है, A हमारा 21 है, तो T हमारा क्या होना चाहिए, 14। तो यहाँ पर T हमारा, और यहाँ पर 14 ही प्रेजेंट है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 14 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर
कौन सा साइन है? डॉलर का। तो यहाँ पर अगर डॉलर का साइन है तो हम मान के चलते हैं यहाँ पर हमारा स्टार क्या प्रेजेंट कर रहा था, नंबर ऑफ लेटर्स 6 माना था हमने, तो डॉलर को हम मान लेते हैं कि ये प्रेजेंट कर रहा है कि 5 लेटर्स हैं, ठीक है। और इसको भी हम लिख कर लिख लेते हैं अलग से कि स्टार हमारा 6 प्रेजेंट कर रहा है, तो इससे हमें रिलेशन बाद में देखने में थोड़ा सा क्लियर होगा, बाद में हम कंपैरिजन करेंगे। तो आगे हमारे पास क्या है? ईगल्स, ठीक है। अगर यहाँ पर ईगल्स है तो ईगल्स को अगर हम इसी पैटर्न से कोट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ये देखना है हमको, ताकि हमें क्लियर हो कि ये इसी पैटर्न से वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सेकेंड अल्फ़ाबेट क्या है? ए। तो यहाँ पर लास्ट में आना चाहिए ए। कितने लेटर्स का वर्ड है? 5। 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6 का है ये, तो 6 का है, तो यानी 6 में स्टार आना चाहिए, तो यहाँ पर क्या आएगा? स्टार। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है? ई। तो ई के हिसाब से क्या होना चाहिए? 25। तो अगर ये इसी का कोड यही हुआ, यहाँ पे प्रेजेंट हुआ, तो इसका मतलब ये इसी पैटर्न से वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर 25 स्टार ए ये प्रेजेंट है, दैट मीन्स ये कोडिंग इसी हिसाब से की गई है। अब हमें पैटर्न मालूम हो गया तो हम अपनी बेटर लक नेक्स्ट अराइव, तो इस लाइन को भी हम कोड कर सकते हैं, तो हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये लाइन क्या है? बेटर लक। तो सबसे पहले हमें किसको कोड करना है? बेटर को। तो पहले हम बेटर को कोड करेंगे, लक नेक्स्ट अराइव, हम लिख ही लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट अराइव, ओके। सो पहला वर्ड हमारा है बेटर, ओके। सो प्रोसीड करते हैं बेटर से। तो बेटर में सबसे पहले हम क्या देखेंगे? बी। बी किस नंबर पे है? 22। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? 22। अब ये कितने नंबर्स का लेटर्स का वर्ड है? 1 2 3 4 5 6, 6 का। तो 6 का मतलब क्या है हमारा? स्टार। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्टार आ जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड लेटर है ई, तो यहाँ पे क्या आ गया? ई आ गया। अब नेक्स्ट क्या है? लक। तो लक में एल है, एल से स्टार्ट हो रहा है 6, तो यहाँ पे आ गया 6। 1 2 3 4, 4 लेटर्स का वर्ड है। अब 4 का तो हमें नहीं पता क्या होगा, तो एक बार हम इसको छोड़ देते हैं, बीच में से यू हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हमें 4 लेटर्स का वर्ड देखना है, तो यहाँ पर 4 लेटर्स का वर्ड फर्स्ट लाइन में नहीं है, नेक्स्ट में हम देख सकते हैं वर्क है। तो वर्क हम कैसे एनालाइज करेंगे, इसमें कौन सा वर्क होगा? तो यहाँ पर देखो सेकेंड लेटर ओ है, तो यहाँ पर ओ है, तो हम देख सकते हैं परसेंटेज यूज किया गया है फॉर 4 लेटर्स ऑफ वर्ड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? परसेंटेज। तो ये हो गया परसेंटेज, ठीक है। अब है हमारे पास नेक्स्ट, तो नेक्स्ट का एन है, तो एन यहाँ पर हमारे पास 8 पे है, तो ये हो गया 8। अब यहाँ पर 4 लेटर्स का वर्ड है, तो हो गया परसेंटेज। सेकेंड है ई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ई। अब हमारे पास क्या है? अराइव। तो अराइव में पहला क्या है? ए। तो ए क्या है हमारा? 21। और कितने लेटर्स का वर्ड है? 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर्स का। तो 6 का मतलब क्या है? स्टार। तो ये हो गया स्टार। और सेकेंड क्या है? आर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आर। दैट मीन्स दिस इज द रिक्वायर्ड कोड ऑफ दिस गिवन लाइन। तो यहाँ से हमारे पास कोड आ गया, तो अब हम ऑप्शन से कंपेयर कर। सो पहला क्या है हमारे पास? 22 स्टार ई, ठीक है। कंपेयर करते हैं, तो 22 स्टार ई, तो यहाँ पर ये जो क्रॉस वाले ऑप्शन है ना, इसका मतलब स्टार है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला, यहाँ पे 22 स्टार ई कहाँ प्रेजेंट है? यहीं पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास 6% यू, तो 6% यू हमारा कहाँ पर है? 6% यू हमारा यहाँ है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 8% ई, तो यहाँ पर हमारे पास 8% ई है। नेक्स्ट है 21 स्टार आर, तो ये है 21 स्टार आर। दैट मीन्स ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ हमारा? दैट इज ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, ओके। सो दिस इज द रिक्वायर्ड कोड ऑफ दिस गिवन लाइन। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।